हेलो सर, क्या हाल आपका? लेकिन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6 2.3 है, ठीक है, और आसानी के साथ इसको करके तो एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। चलो जी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। कैलिकॉर्डी फाइंड एम, उसी तरह का जिस तरह का पहले सवाल किया, डरना नहीं है इसे, ठीक है। फाइंड एम इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इफ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू लैम्बडा। आप अपनी बुक से पढ़ोगे ना तो आपको इस समय ये लिखा क्या हुआ है, इफ सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, ठीक है। और गिवन इक्वेशन इसकी क्या है जी, वो मैं ज़रा लिख देता हूँ आपको। जो गिवन इक्वेशन है वो लिखी हुई थी, इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका पहला पार्ट कर देता हूँ, वो लिखा हुआ जी 2m। पहला पार्ट ज़रा डिफिकल्ट है, मैं आपको पहला कर देता हूँ, 2m+3 x2, दूसरा आप खुद कर लेना, +7m-5 x +3m-10 0। फिर देख लेते हैं जी, क्या लिखा हुआ जी, 2m+3 x2 7m-5 x, उसके बाद 3m-10 0, ठीक है। जो अगला है वो इससे आसान है, वो आपको ट्राई करना, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है, आपने कर देते हैं इसको और आपको समझ भी लग जाएगी। बस आपने थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी है, आज समझे तो आज ही प्रैक्टिस कर लो, फिर और आसानी होती है, ठीक है। बस ये चक्कर है इसमें। चलो जी, अब आपको मैंने बोला कि आपने इसको बुक से पढ़ना है, मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा, तो आपने वहाँ से इसको देखना शुरू कर देना है। सोल्यूशन पहला क्या है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन, वो आपके पास क्या है, ये 2m+3, ठीक है, x2। आगे क्या है जी, 7m-5 x +3m-10 0, इसकी गिवन इक्वेशन बड़ी लंबी, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, a क्या है जी हमारे पास, इसका कोफिशियंट, वो क्या है जी, 2m+3। b हमारे पास क्या आता है जी, इसका कोफिशियंट 7m-5। c हमारे पास क्या है जी, 3m-10, ठीक है। सपोज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, क्या सपोज करते हो, तो अल्फा एंड बीटा, ना भी करो इस सवाल में तो चल जाएगा, लेकिन कर लो, चलो कुछ नहीं था। अब जी सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या आपके पास, रूट्स उसके अल्फा प्लस बीटा सपोज किए थे, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो -b क्या आएगा जी, 7m-5 ओवर a क्या है, 2m-3, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, ब्रैकेट वाला ये वाला बाहर वाला माइनस, और 7m-5 लिख दिया और a हमारे पास ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, ये बनेगा -7m+5 ओवर 2m+3, साथ इसको नंबर भी दे देते हैं, नंबर 1, ठीक है। फिर देखो क्या मैंने किया, ये 2m+3 a के बराबर था, 7m-5 b के बराबर था, 3m-10 c के बराबर था। तो मैंने जो गिवन इक्वेशन के रूट्स सपोज कर लिए, इसके वो सपोज कर लिए, आंसर जो भी आएगा अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा, उसके बाद सम ऑफ रूट्स निकाला अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला था -b/a, ठीक है। तो -b में क्या लगेगा, 7m-5, बाहर ये वाला माइनस लगेगा, ये हमारे पास क्या है, 2m+3, डन हो गया बात। अब मैंने क्या किया, इसको खोल दिया मल्टीप्लाई करके, तो -7m हो गया और +5 हो गया ओवर 2m+3, ये नंबर 1 बन गई। अब नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है, वो क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका फॉर्मूला क्या आता है, ये दो रूट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, c/a। c हमारे पास क्या जी, 3m-10, a हमारे पास क्या जी, ये है 2m+3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वैसे सीधी है तो, लेकिन लिख देते हैं अल्फा बीटा, आसानी रहेगी, 3m-10 ओवर 2m+3, इसको नंबर 2 कर दिया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। क्या किया मैंने इसको, ये देखो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनेगी, रूट्स हमने सपोज किए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे c/a, फॉर्मूले के मुताबिक
सी हमारे पास 3m-10 है, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, 2m+3 है, वो लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब क्या है, उसे दिया क्या है, फाइंड m इफ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू लैम्डा, ये कि जो सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, एस पर कंडीशन, जो सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, वो भी लैम्डा के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो भी लैम्डा के बराबर है। ठीक है, समझे बात की, या एंड कर लो, एंड प्रोडक्ट रूट्स भी लैम्डा के बराबर है, क्या कंडीशन है जी। अगर आप बुक में देखोगे ना, तो उसने लिखा है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अ नंबर दैट इज लैम्डा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज ऑल्सो इक्वल टू अ नंबर लैम्डा, ओ सॉरी, इसको क्या लिखना है, लैम्डा। ठीक है, सो इसको आप देखते हो तो दैट इज क्या बन जाता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाता है, सॉरी। अब सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, वो ये, वो क्या है, -7m+5/2m+3 इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट रूट्स क्या बनता है जी, 3m-10/2m+3। ठीक है, अब यहां से इसको हम सॉल्व करके तो m की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बहुत आसान है, बस देखने में दहशत है इसकी, वरना ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली उससे आसान है। ठीक है, तो डरना नहीं इसे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 7m प्लस का 5, इसको ये उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, 2m+3 इज इक्वल टू, ये क्या दी, 3m-10, अब इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या है, 2m+3। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई की है, इधर मैं लिख देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -7m+5 मल्टीप्लाई बाय 3m+3 हो गया, 2m+3 हो गया, और 3m-10 मल्टीप्लाई बाय 2m+। अब यहां से थोड़ा सा फोर्स ही करो ना, ये बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है। ये देखो ये जो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड कर दो, -7m+5 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 3m-10 ब्रैकेट में और 2m+3 भी ब्रैकेट में। ये जो क्या कर रहा था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या रहेगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखो ये दोनों एक जैसे हैं, आप इसको इसके साथ काट दो, तो बहुत आसान हो गया ये। अब ये आ गया -7m+5 इज इक्वल टू 3m-10, m वाले सारे एक तरफ ले जाओ, तो -7m-3m हो गया, ये -10 -5 हो जाएगा। ये देखो ये +5 था, उधर क्या रहेगा, माइनस, ये -10 था, ठीक है, ऐसे कैसे रहा, ये 3m+ का था, उधर जाके माइनस हो गया। इन दोनों करोगे तो -10m आ जाएगा, इन दोनों करोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, ये से उड़ जाएगा, m क्या रहेगा जी, 15/10, m की वैल्यू क्या आएगी, 5 3s और 5 2s, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको जरा कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं इधर देख के आता हूँ। ले जी, अब हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट नंबर मैंने किया है फर्स्ट कि सेकंड, ठीक है, वो लिखते मैंने सेकंड किया, चलो जो भी है आप देख लेना कौन सा किया यार मैंने। ठीक है, तो मैंने इसलिए पार्ट नंबर इधर मेंशन नहीं किया, आप देख लेना या देख लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं मेंशन कर दूं और आपको आसानी हो। मैंने किया जी इसका क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर मैंने इसका किया फर्स्ट, सेकेंड वाला आसान था मैंने फर्स्ट किया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 किया है, क्या ये फाइंड m, m की वैल्यू इसमें फाइंड करनी, इफ द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अ नंबर। ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, चलो एंड कर दो इसको, हटा दो इसको, क्या कर दो, एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अ नंबर लैम्डा, अननोन नंबर है, उसने उसका नाम लैम्डा रखा हुआ। ये फिजिक्स में आपने किया ना चैप्टर नंबर वो वाला, वेव्स वाला,
लैम्डा जो वेव लेंथ होती है, ठीक है। आगे गिवन इक्वेशन जो दी हुई इसने वो दिया हुआ है 2m + 3x² +7m - 5x + 3m - 10 = 0। अब आपने ये सारा कुछ बुक से पढ़ना है, ठीक है। ये सारा कुछ कहाँ से पढ़ना है? बुक से। मेरा आपका काम यहाँ से शुरू हो जाता है। ये मैंने SOL लिखा है। SOL का मतलब क्या हो गया? सोल्यूशन। क्या है जी? गिवन इक्वेशन वो क्या है जी? 2m + 3, ठीक है, x² फिर 7m - 5x प्लस 3m - 10 = 0। ए क्या आता है? x² का कोऑफिशिएंट होता है, तो मैं लिख दिया a = 2m + 3। बी क्या होता है जी? एक्स का कोऑफिशिएंट जो इसके साथ लिखा था वो था 7m - 5। सी आपके पास क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं होता, 3m - 10। अब सपोज द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में किया ना, उस तरह हमने इसके भी रूट सपोज कर लिए। ना भी करो इसमें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया? सपोज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्योंकि रूट्स हमने अल्फा बीटा सपोज किए हैं, तो इसका सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a। ये फॉर्मूला है आपको पता ही, ये हमने इतने सवाल आप कर लिए। तो माइनस बी की जगह क्या आएगा जी? माइनस बी की जगह क्या आएगा? 7m - 5 ओवर ए की जगह क्या आएगा? 2m + 3। जब आप इसको खोल दोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, डन। अच्छा जी, उसके बाद ये ऐसे कैसे आ जाएगा? इसको नंबर 1 दे दिया। अब हमने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा। जो रूट्स थे वो अल्फा और बीटा थे, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? उनको मल्टीप्लाई की फॉर्मूला लिख दोगे। वो क्या है फॉर्मूला? सी ओवर ए। आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में, बल्कि इस पूरी एक्सरसाइज में जो 2.3 थी उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला सी ओवर ए था। सी इसमें क्या है? 3m - 10 क्या है? ए क्या है हमारे पास? 2m + 3। इसको भी जरा नीचे करके लिख दिया तो क्या आएगा? 3m - 10, ठीक है, ओवर 2m + 3। इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 1 दे दिया। अब उसने दिया हुआ है एज पर कंडीशन, उसने क्या कंडीशन दिया है? एज सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विच इज इक्वल टू दिस वन। सम ऑफ रूट्स कहाँ निकाले हुए हमने? ये निकाले हुए ना, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, आर इक्वल टू अ नंबर लैम्डा। तो मैंने लिख दिया, इट मीन्स सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स लैम्डा के बराबर है। और उसने क्या दिया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा, तो वो भी मैंने लिख दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू लैम्डा। एज दीज टू आर इक्वल टू सेम नंबर, ये भी लैम्डा के बराबर है और ये भी लैम्डा के बराबर है, इसलिए, ठीक है, देयरफॉर ये आपस में, सो इट मीन्स सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट्स क्या रहेंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या था? वो वैल्यू लिखी थी आपने सम ऑफ रूट्स की, इधर लिखी हुई थी सम ऑफ रूट्स की, -7m + 5 ओवर क्या था? 2m + 3। और प्रोडक्ट रूट्स की यहाँ लिखी हुई थी वो क्या था? 3m - 10 ओवर 2m + 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर, तो ये -7m + 5 मल्टीप्लाई होगा 2m + 3 से, -7m + 5 मल्टीप्लाई होगा 2m + 3 से, और ये जो 2m + 3 है ये 3m - 10 से, 3m - 10 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे? ठीक है, मैंने आपको देखा, अगर आप उसको गौर से देखते हो तो ये आपको एक जैसा लगता है, 2m + 3, 2m + 3, तो आप इस 2m + 3 को जाके डिवाइड कर दो तो कट जाएगा, तो बड़ा सारा एक ये है कि इसको मल्टीप्लाई करो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली इसको क्या करो, उधर जाके डिवाइड कर दो, तो ये पूरे का पूरा सेट कट गया और आपके पास आसान सी इक्वेशन बन जाएगी। जब इधर से बचेगा -7m + 5, इधर क्या बचेगा? 3m - 10। अब आप क्या करोगे, m को इधर ले आओ, ये माइनस का 7m था, ये 3m+ का था, इधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का 10 था, उधर जाके ये भी माइनस का हो गया। इन दोनों को करोगे तो क्या रहेगा? माइनस का 10m हो जाएगा, इन दोनों करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब हमें क्या किया, m फाइंड करना है, तो 10 उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो 5 से काटोगे तो 5 3s और 5 2s, ये आंसर आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं देखता हूँ। ठीक है, समय लगी लो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्लीज 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 इसको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके जो माँ बाप पे बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं वो जाया ना जाए, ठीक है। बड़ी बेचारे मेहनत करते हैं, मामा भी आजकल मैंने देखा है, मामा जितनी हैं वो भी बेचारी ऑफिस में भी काम करती हैं, स्कूलों में भी काम करती हैं, जॉब करती हैं, घर आके फिर आपके लिए खाना शाना भी बनाती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, ठीक है।
इसी तरह आपके पापा सारा दिन काम करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। तो वो फैसिलिटेट जो करते हैं, बेशक उन्होंने मोबाइल दिया हुआ, लैपटॉप दिया, घर दिया हुआ, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसका आप अच्छा सा फ़ायदा उठाओ और पढ़ के उनको खुश करो। उनकी खुशी इसी में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, मेहनत करो और बड़े इंसान बनो, कल को आपके भी बच्चे, ठीक है, इससे मुस्तफीद होंगे, फ़ायदा होगा। नहीं पढ़ोगे तो आपके बच्चों को लोग कहेंगे कि आपके माँ बाप अनपढ़ है, इसलिए कोशिश करो कि पढ़ो, ठीक है। प्लस जो भी चैनल आप देखते हो स्टडीज़ का, उसको ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। मैंने आपको फिर बताया कि सब्सक्राइब करने से इवन जो भी जितने भी ये वीडियोस बनाने वाले हैं, मैथ्स की, फिजिक्स की, साइंसेस की, अभी हम फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स की भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो भी बनाने वाले हैं वो भी एक दूसरे को सब्सक्राइब किया करो। किसी का कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट करो, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ लिखो कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें, वो अच्छा लगता है, ठीक है। प्लस अगर वो भी करें तो याद रखो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर जाके 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो फिर जाके यूट्यूब आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे देती है। तो उसके लिए क्या है कि आपने वो पैसे पाकिस्तान में आते हैं, याद रखो, तो पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। इसलिए कंजूसी नहीं करनी, इसको रब करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयारी करते हैं। आप कोशिश किया करो कि उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप आज ही प्रैक्टिस करते हैं या बार बार इसको देखो तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। इसलिए कोशिश करके ना मेहनत किया करो, ठीक है, और इजी नहीं लेना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो पेपर है पिछली दफ़ा अप्रैल में हुए थे क्लास टेंथ, और इस दफ़ा कब होने, मार्च में, 1 मार्च को आपका पेपर शुरू हो जाए। इसलिए कोशिश करके तो आपने तैयारी कर लो, ठीक है। आजकल जो दिसंबर की छुट्टियाँ हैं होने वाली हैं या होने वाली है, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको क्या हो, ज़ाया ना हो टाइम, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। पिछली दफ़ा तो आपको जब 9th में था, अब तो आपको 6-6 छुट्टियाँ आ गई थी, आप लोग लकी रहे। इस दफ़ा कोई नहीं ऐसा था, डेट शीट में आसानी से आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक दो दो छुट्टियाँ नहीं, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं।